नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। देश के बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता जो अब तक अनुच्छेद 370 को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज उन्हें यह समझ में आ गया कि ये 1947 नहीं बल्कि 2019 है और दुनिया अब बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसे तमाम लोग जो धारा 370 की राजनीति कर रहे थे, वो आज या तो कमजोर हो गए या फिर टूट गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों की जमात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हैं, जिनका इस मुद्दे पर दुनिया में किसी ने साथ नहीं दिया। कल से लगातार सड़क से लेकर संसद तक, चौक चौराहों पर, घरों में, दफ्तरों में चर्चा का एक ही विषय है और वो है अनुच्छेद 370 और कश्मीर। कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म होने के बाद नेता और जनता जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरह से पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि पूरे देश में कश्मीर को गले लगाने के लिए पूरा देश बेसब्र था। यह वाकई इस बात का सबूत है कि कश्मीर को लेकर देश का मूड भावनाओं और उम्मीदों से भरा हुआ था और हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर जनता की भावनाओं से बिल्कुल कटे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि देश की जनता कश्मीर को कितना प्यार करती है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के अलगाववादी नेता जनता के मूड से कितने कटे हुए थे, अंधेरे में जी रहे थे। बजट सत्र के आखिरी दिन आज देश की संसद ने औपचारिक रूप से अनुच्छेद 370 की विदाई कर दी। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा है कि एकता और अखंडता के लिए सारा देश आज एकजुट है। आज हम एकता और अखंडता की इसी देशव्यापी भावना का विश्लेषण करेंगे। इस एकजुटता में आम और खास, पक्ष और विपक्ष का फर्क मिट गया है और इसी के साथ 72 वर्षों से खड़ी झूठ की एक दीवार भी आज टूट गई है। आजादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर लगातार वो डर दिखाया जा रहा था जो असल में कहीं था ही नहीं, लेकिन कुछ लोग कश्मीर का झंडा उठाकर लगातार डर का माहौल बनाने में कामयाब हो रहे थे और अनुच्छेद 370 के बाद अब इसके नाम पर होने वाली राजनीति की विदाई का भी शुभ मुहूर्त आ चुका है। आज हम आपको इस पूरी समस्या के बारे में बताएंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि यह समस्या संयुक्त राष्ट्र तक आखिर कैसे पहुंची और कश्मीर की जो समस्या उत्पन्न हुई उसके जो मेन एक्टर्स हैं वो कौन कौन थे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को आज संसद से मंजूरी मिल गई। कल राज्यसभा से पास हुए इस बिल को आज लोकसभा ने भी पास कर दिया। बिल 2/3 बहुमत से पास हुआ। बिल के समर्थन में 370 वोट मिले जबकि विरोध में 70 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मील का पत्थर बताते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, हम एक साथ हैं, हम उठेंगे और एक साथ हमें 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करेंगे। आज हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर, जहां जम्मू और कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक बिल भारी समर्थन के साथ पारित किए गए हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव भी लोकसभा से पास हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कश्मीर के सियासी परिवारों पर हमला बोला। 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोटा गया। 70 साल तक ये तीन परिवारों ने अपनी पकड़ बनाई जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल को भी गृह मंत्री अमित शाह ने वापस ले लिया क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से आरक्षण लागू हो जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को आतंकवाद की वजह बताया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने 370 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। क्यों नहीं बाकी राज्यों में पला बढ़ा, वहाँ क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ अलगाववाद का मूल 370 के अंदर जनता के बीच में आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इसको खाद और पानी देने का काम किया और 88 से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा वहाँ पर तांडव शुरू हुआ। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबी की वजह 370 है। अमित शाह ने 371 पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि 370 और 371 की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए ये उत्तर पूर्व और दूसरे राज्यों से नहीं हटेगा। उत्तर की
कंपैरिजन कर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है। अमित शाह ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम नहीं किया होता तो पीओके आज भारत में होता। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह ने कहा कि सरकार ऐतिहासिक भूल नहीं कर रही, ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद देश भर में जश्न जारी है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद लोगों ने देश के कई हिस्सों में आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। लोग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर के साथ जश्न मनाते दिखे। कुछ जगहों पर लोगों ने पीएम मोदी के पोस्टर को दूध से नहला दिया। जम्मू कश्मीर में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आर्टिकल 370 खत्म होने पर जश्न मनाया। लद्दाख क्षेत्र के लोगों की भी पुरानी मांग पूरी हुई है, ऐसे में यहां लोगों ने पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर खुशियां मनाई। देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने भी मिठाइयां बांटकर इस ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जाहिर की। संसद से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने को केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने ऐतिहासिक कामयाबी बताया है। सभी ने एक सुर में पीएम मोदी को बधाई दी और अनुच्छेद 370 के हटने को कश्मीर के लिए नया सवेरा बताया। ये हिंदुस्तान की आवाज है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक बार बार कहता कि हमारे देश में एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही ध्वजा होनी चाहिए, और आज हिंदुस्तान के संविधान की तिरंगे की जीत हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल के पास होने पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का ताज है तो हम सभी को उसका मानचित्र पता होना चाहिए। क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते क्या? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूँ। इसी का सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल पर सवाल उठाए हैं। I oppose this bill because this government is doing a disservice to Sardar Patel and Nehru. Thank you, sir. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि पीओके पर भारत का दावा उतना ही मजबूत है जितना पहले था। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसका मतलब पीओके और अक्साई चिन भी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इससे पहले कांग्रेस ने कश्मीर को लेकर सरकार की सोच पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री से सवाल किया कि जब कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है तो आप कश्मीर को अंदरूनी मामला क्यों कह रहे हैं? सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नाराजगी भी जताई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से बट गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर जम्मू कश्मीर पर सरकार का विरोध किया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर 370 हटाने का समर्थन किया। ज्योतिरादित्य ने लिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश में उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूं। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नहीं होते, लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। सिंधिया से पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था। वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, राज्यसभा में चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, अनिल शास्त्री और रंजीत रंजन ने भी अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया।
कि जो 370 हटा है, जो टेम्परेरी था, हटना ही था, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो क्लॉज थे उसमें से हटाए थे, तो एक बार 370 हटना था और हटा, तो मुझे लगता है कि मेरी राय में ये सही हुआ। वहीं आज शाम दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर बहस के दौरान लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग शेरिंग ने अपने भाषण पर खूब वाहवाही और तालियां बटोरी। शेरिंग ने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। शेरिंग ने कहा कि आज भारत के इतिहास में वो दिन है जो गलती जवाहरलाल नेहरू ने की उसका सुधार हो रहा है। ये परिवार जो है कश्मीर के मुद्दा जो ढिंढोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। मोदी है तो मुमकिन है सही में। जामयांग शेरिंग ने कहा कि धारा 370 की वजह से लद्दाख का विकास नहीं हुआ और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बीजेपी सांसद के भाषण की तारीफ की। उन्होंने लद्दाख के सांसद के भाषण को ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे युवा दोस्त जामयांग शेरिंग नामग्याल ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर अहम बिलों पर असाधारण भाषण दिया। वो लद्दाख की बहनों और भाइयों से जुड़ी आकांक्षाओं को पेश कर रहे हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला नजरबंद हैं या फिर अपनी मर्जी से घर पर हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आज की बहस में फारूक अब्दुल्ला की कमी महसूस हो रही है। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी रहते बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। विपक्षी सांसदों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने चार बार बयान दिया कि फारूक अब्दुल्ला ना तो हिरासत में है और ना ही वो नजरबंद है, वो अपनी मर्जी से घर पर है। वो अवगत कराना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर। तबियत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता। हालांकि कुछ देर बाद फारूक अब्दुल्ला खुद मीडिया के सामने आए। फारूक अब्दुल्ला ने खुद को नजरबंद बताते हुए गृह मंत्री के दावों को झूठा बताया। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी धारा 370 को हटाए जाने का प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पारित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज आर्टिकल 370 का औपचारिक रूप से इस देश से अंत हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया। अब राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में 370 वोट पड़े और विपक्ष में सिर्फ 70। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी 2/3 बहुमत से ज्यादा से पास हुआ था। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने वाले बिल को वापस ले लिया है क्योंकि अनुच्छेद 370 से विवादित प्रावधान हटते ही इस विधेयक की अब जरूरत नहीं रही और इस बिल को राज्यसभा से भी वापस ले लिया जाएगा। यानी पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी घटनाक्रम दिखाई दिया उससे देश का मूड पता चलता है और आज हम डीएनए में सबसे पहले देश के मूड के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि हमारे देश के नेता कश्मीर के मामले पर देश के लोगों की भावनाओं से कितने कटे हुए थे और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि देश क्या चाहता है। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या देखकर भी ये स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी पार्टियों के नेता दिखावे के लिए भले ही खुलकर विरोध कर रहे हों लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने चुपचाप अनुच्छेद 370 के खिलाफ अपना वोट दिया और वो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर। इस वक्त देश में राष्ट्रवाद की लहर अपने चरम पर है और इसीलिए कहा जा सकता है कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सोच भी खत्म हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार को मिले भारी जनादेश ने
उनके पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। यह वही जनादेश है जिसे अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस जनादेश को वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टिकरण और देश को तोड़ने वाली राजनीति करने वालों ने कभी माना ही नहीं। इसीलिए 2019 का चुनाव सही मायनों में जनता का असली टेस्ट था। जनता उस परीक्षा में 100% नंबरों से पास हो गई। जनता ने बता दिया वो क्या चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को मुश्किल फैसले लेने की शक्ति एक बार फिर जनता ने दे दी। अब नई सरकार बनने के 3 महीनों के अंदर ही मोदी सरकार भी इस राजनीतिक टेस्ट में पास होती दिख रही है। उदाहरण के तौर पर ट्रिपल तलाक बिल के मुद्दे पर राज्यसभा में 99 वोट पक्ष में पड़े जबकि 84 विरोध में, वो भी तब जब राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के सिर्फ 78 सांसद हैं। इसी बिल के पक्ष में लोकसभा में 303 वोट पड़े जबकि 82 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया था, सिर्फ 82 ने। इसका मतलब यह हुआ कि अब देश के नेताओं को, सांसदों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जनता क्या चाहती है और इसीलिए किसी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। अब इस लिस्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने विपक्षी नेता और अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज रह गए हैं। लोकतंत्र के मंदिर में आज कश्मीर के नायकों और खलनायकों का जमकर जिक्र हुआ। हम उनका भी विश्लेषण करेंगे लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही के एक जरूरी हिस्से पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आज लोकसभा में एक तरफ कश्मीर के लिए जान देने वाली गूंज सुनाई दी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान का गुणगान किया गया और ये कहा गया कि अगर नेहरू ना होते तो कश्मीर और जूनागढ़ भारत का हिस्सा नहीं होते। हम तथ्यों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के अर्धसत्य का आज विश्लेषण करेंगे लेकिन पहले आप ये बातें सुनिए। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर का विलय किसी ने भारत में किया था? जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने फौज भेजकर वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की थी तो वो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी जिसने उस समय कदम उठाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया। और अगर आज हैदराबाद आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर आज जूनागढ़ और आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की वजह से है। वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किया कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, देयर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद बनना चाहते हैं तो ये संवैधानिक त्रासदी है। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अनुच्छेद 370 पर अपनी राय रखी लेकिन सबसे बुलंद आवाज जो आज आपको सुननी चाहिए वो थी जामयांग शेरिंग की, जो बीजेपी के 34 साल के युवा सांसद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में लद्दाख से चुनकर आए हैं। शेरिंग का जन्म वैसे तो 4 अगस्त 1985 को हुआ था लेकिन आर्टिकल 370 और लद्दाख के मुद्दे पर इनकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मंझे हुए नेता हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारे देश का एक वर्ग अपने ही देश की आलोचना करता है तो इस वर्ग में शामिल लोगों के भाषण ट्रेंड करने लगते हैं, उनकी तारीफें होने लगती हैं। आपने नोट किया होगा इसी संसद में बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो अपने ही देश की आलोचना करते हैं, अपने ही देश को तुच्छ बताते हैं, कहते हैं अपने ही देश में वो असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के भाषण
ट्रेंड होने लगते हैं, हमारे देश के बुद्धिजीवी तालियां बजाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ नेता, कुछ सांसद अच्छा भाषण भी देते हैं, खास तौर पर युवा। भारत के युवा जब राजनीति में आकर देश हित की बातें करते हैं तो उनकी जुबान से क्या भाव निकलते हैं, ये आज आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो भाषण आज हम आपको सुनाने वाले हैं जामयांग शेरिंग का, असल में आज के दिन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये भाषण है। 34 साल के इस युवा सांसद का ये भाषण जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस देश का युवा क्या चाहता है और इस देश के युवा की भावनाएं क्या हैं, ये सुनिए आप। जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने किया, उस गति का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। आज तक बीते 71 साल, 7 decades, लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते है। 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया हम, भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 की वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। धारा 370 हटने से क्या खोएंगे, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। सिर्फ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या वो थे आपका लोकतंत्र? लोगों का आवाज बंद करना, दबे कुचाले रखना, ये आपका लोकतंत्र था क्या? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिस यूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या ये है आपका सिक्योरिटी? लद्दाख को बंटवारा किया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ लेह डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक, ये है आपका सिक्योरिटी। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए भाई साहब। आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता लद्दाख वालों ने अभी क्या किया आज तक। 2011 में आज ये कह रहे कि हमारा झंडा जा रहा है, झंडा जा रहा है। भाई साहब, आपका झंडा तो लद्दाख वालों ने 2011 में नकारा है, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया, क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते, ये है लद्दाख। क्योंकि हम मानते हैं आन देश की, शान देश की है हम संतान है, तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। ये परिवारें जो है
कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो। वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। अंत में जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। अब जम्मू कश्मीर किसी की निजी संपत्ति नहीं रहा, अब किसी की अपनी जागीर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए खुल चुका है, पूरे देश का हिस्सा अब बन चुका है, और देश ने आज 24 घंटे के अंदर अंदर ही बड़े खुले दिल से जम्मू कश्मीर को और कश्मीरियों को दिल से लगा लिया है। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुई ऐतिहासिक भूल को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद का यह कहना कि अगर नेहरू ना होते तो कश्मीर और जूनागढ़ भारत में ना होता, इसमें कितनी सच्चाई है? आज इन सभी सवालों का जवाब तलाशने का दिन है, लेकिन उससे पहले यह भी देखना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की राजनीतिक और सामाजिक हलचल है, और जब से यह फैसला आया है कि अब जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और 370 जो धारा है ये चली जाएगी, उसके बाद से पूरे देश की प्रतिक्रिया क्या है, आज आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी है। जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख सहित पूरा देश अनुच्छेद 370 के अंत का जश्न मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले का विरोध करने वाले लोग जम्मू कश्मीर से लेकर देश की संसद तक में अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। I forced myself out to talk to you, to tell you that the Home Ministry is lying in the Parliament, that I am not house arrested. That I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. My India is a democratic India, secular India for all, whatever your religion, whatever your region. Sir, it's a very emotional statement that you're making. Is this unconstitutional? Is this undemocratic? It is totally undemocratic. Sir, what would be your future course of action? As soon as the gates will open, our people will be out. We will fight, we will go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. दुर्भाग्य की बात है कि सदन में तथ्यात्मक बातें कही जाती हैं, लेकिन उन बातों को गलत तरीके से प्रचारित करके एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत का अभिन्न अंग है। मैंने 3 बार क्लियर किया, मगर बार बार ओपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है। फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए। जो प्रस्ताव हिंदुस्तान के पक्ष में था, आज कांग्रेस ने सदन में उसके खिलाफ वोटिंग तक कर डाली। जनता ने हराया तो सही 2019 के चुनाव में, लेकिन अब से लेकर अगले चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को हर मैदान में हर नागरिक को जवाब देना होगा कि पाकिस्तान के पक्ष में क्यों खड़े हुए, हिंदुस्तान को उन्होंने क्यों नकारा। आज कश्मीर को
अलग करने वाली वो 370 धारा जो एक कलंकित परंपरा था उसको समाप्त कर दिया। अखंड भारत का गौरव का निशाना आज सारा विश्व में लहराएगा। ये स्वर्णिम इतिहास कहलाएगा आज का, कल का और आज का दिन। सच कहा जाए तो देश ने एक मिसाल कायम किया है। जहां देश को आज़ादी 1947 में मिला था, अगर सच कहा जाए तो सारे मुल्कों को और सब लोगों को सही आज़ादी, जो अटल जी भी कहा करते थे कि आज़ादी अधूरा है, उस आज़ादी को हमने हासिल किया है। लेकिन असल तस्वीर क्या है, इसे समझने के लिए आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की बातें सुननी चाहिए। जहाँ तक लैंड ऑर्डर के अरेंजमेंट का तालुक है, हमने सब जगह पे अपनी सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए हुए हैं और अभी तक जैसा लोगों की तरफ से रिस्पांस है उसके चलते मैं समझता हूँ कि आगे भी थोड़ा वक्त अच्छा ही आएगा। मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, हालांकि दूसरा दिन है मगर जैसा अभी तक का रिस्पांस लोगों से रहा है, बड़ा कोऑपरेटिव लोग रहे हैं, हालात अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है लेकिन देश में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि वहां पर हालात गंभीर बने हुए हैं। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह शायद ही किसी को है। हमारे बुजुर्गों से लेके आज तक की पीढ़ियां जो चल रही हैं, 1957 से लेकर आज तक हमें सिर्फ एक ही काम दिया गया, सफाई कर्मचारी का। मगर आज इस 370 धारा ख़त्म करने में जो अहम रोल अदा किया हमारे बीजेपी सरकार ने, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। मैंने BSF में ट्राई किया था, मेरा फिजिकल टेस्ट पास हो गया था लेकिन उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद भी निकाल दिया क्योंकि PRC नहीं था। 370 में ये है कि जो यहाँ जिसके पास PRC है वो यहाँ पे जॉब कर सकता है, नहीं तो वो जॉब नहीं कर सकता। अब जब वो हट गया है अब मैं कहीं पे भी कुछ भी जॉब कर सकती हूँ। धारा 370 को तहस नहस कर दिया और जो दलित समाज, जम्मू का जो दलित समाज, चाहे वो रिफ्यूजी हो, इसमें 90% दलित समाज है और वाल्मीकि समाज जो टोटली दलित समाज है, उसका उत्थान किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता था दलितों के उत्थान के लिए। दूसरा, हमारी कौम नरेंद्र भाई मोदी जी को याद करेगी। सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही क्यों, अनुच्छेद 370 से रिहाई का जश्न तो लेह और लद्दाख के लोग भी मना रहे। कश्मीर से भी आजाद होकर हम बहुत ही खुश हैं सर। आज हम सुबह 6:30 बजे से हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत खुशियां मना रहे हैं। लद्दाख का इकोनॉमिकली विकास होगा सर, लद्दाख का डेवलपमेंट होगा, लद्दाख में इंडस्ट्री लगेगा, लोगों का यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होगा, ये सारा चीज हम एक्सपेक्ट करता है इस यूटी के द्वारा सर। बदलेगा लद्दाख लद्दाख के लिए, अब तो भगवान जाने बदलेगा ना, अब तो बदलेगा ना, क्यों नहीं बदलेगा। अभी तक किसी ने नहीं किया कि हम लद्दाख इतना ये हो जाएगा, हमें नहीं सोचा है। अभी वो लोग कश्मीरी लोग वही करता है कि जो क्या कहते हैं फरोख वगैरह, अपना मल्ला भी हमें लद्दाख घुमरे में रखा है। तो अभी इतना अच्छा, इतने सालों से क्या लद्दाख में कुछ विकास हो पाया है जब तक अभी तक आप लोग यहाँ पर थे? हाँ, बहुत खुश है, हम ये मांग पुराने से मांगे ना, हमने इतना लीडरों ने साथ किया, अभी तक पूरा हो गया। हम लद्दाख लोग खुश रहे, किसी ने नहीं किया ना, बहुत खुश हो गया। मतलब ये बहुत मोदी जी ने इतना फैसला दिया अचानक, हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। मोदी जी और अमित शाह को हमने दोबारा वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 370 का जाना जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख और वहां के लोगों के लिए एक नया जीवन दान है। नेता भले ही इस पुनर्जन्म के महत्व को ना समझें लेकिन जनता जनार्दन इस फैसले से गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस समय हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा हैं जो इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं और सीधे हम वहां पर चलते हैं। राहुल, पिछले 24 घंटे से कश्मीर घाटी में आपने क्या हालात देखे हैं? पूरा देश ये जानना चाहता है कि पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात हैं। सर,
सुधीर जी, अगर मैं कश्मीर के लिहाज से बात करूं तो हालात मैं इस वक्त सामान्य कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं, वो बात अलग अलग तरीके से है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसले होने चाहिए थे, लेकिन ईद के बाद अगर ये फैसला होता तो फिर कुछ चीज़ें और दूसरे तरीके से होती। कुछ लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कुछ छिटपुट घटनाएं पथरावबाजी की भी यहां पर देखने को मिली हैं, लेकिन इस सब के बीच में जब हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव में इस पूरे के पूरे कश्मीर के नज़रिए से इस फैसले को देखते हैं तो अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दी जिसे हम कहें कि बहुत संवेदनशील स्थिति हो गई है या बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। लेकिन इस सब के बीच में यहां तारीफ उस एडमिनिस्ट्रेशन की भी करनी पड़ेगी जिसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। उसे पता था कि इतना बड़ा फैसला लागू होना है, उसके किस तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं, लिहाजा इसकी तैयारी पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ तैयार की गई, और हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में इसका बहुत ज़्यादा फायदा उस एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहा है। लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको समझाया जा सके। लेकिन सुधीर जी, अब यहां खड़े होकर के जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश हो रही है, सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कश्मीर के लोग जुड़ें, पर अफसोस की बात यह है कि मीडिया का एक तबका पता नहीं क्यों, क्या वो ये नहीं चाहता कि कश्मीर की समस्या सॉल्व हो? क्या कश्मीर की खबरों को वो हमेशा एक मसाले के तौर पर हमेशा जिंदा रखना चाहता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि कश्मीर के लोगों को बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है अपने सवालों के जरिए? आखिर कैसे हो सकता है कि आप किसी नेता से ये सवाल पूछते हैं कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये सारा का सारा चीज़ की गई है, और फिर आप उसको टेलीकास्ट करके लोगों के बीच में इस चीज़ को उनको इंस्टिगेट करने की, उनको एग्रेसिव करने की कोशिश करते हैं? तो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर है। अगर हमें कश्मीर के लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो हमें समझाना होगा कि यहाँ उनका कोई नुकसान करने की, उनसे कोई चीज़ छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है, इससे उनको फ़ायदा होने वाला है। पर अफसोस की बात यह है कि मीडिया का एक बड़ा तबका, यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे देख रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे देख रहा हूँ, कि उनकी कोशिश है तमाम इस तरीके के सवालों के जरिए, तमाम इस तरीके का माहौल बनाकर कोशिश करने की कि देखिए ये आपके लिए नुकसान। राहुल, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे, अगर कोई उदाहरण के जरिए अगर आप हमें बता सके तो समझ में आएगा। सुधीर जी, अभी आपने फारूक अब्दुल्ला को ही सुना, फारूक अब्दुल्ला से जब सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक आवाज़ आपको सुनाई दी होगी किस तरीके से कहा गया, क्या अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया गया है। सबको पता है कि इस समय श्रीनगर में हालात क्या हैं, सबको पता है कि कश्मीर में इस बात की किस बात की सबसे सख्त ज़रूरत थी, और आप उस हालात में अगर इस तरीके के सवाल पूछेंगे और फिर इन सवालों को दिखा करके वही मैसेज पूरे देश में, पूरे देश के साथ साथ कश्मीर के लोगों में जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? और ये खास तौर से मैं कुछ लोगों में ज़रूर इस तरीके की चीज़ें देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, इस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और फिर उसको रिएक्शन के तौर पर, हालांकि अब ये बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि एक बड़ा सेक्शन है जो कि इस फैसले के खिलाफ है और उनके लिए ये लोग हीरो हैं, उनके लिए ये लोग जब शायद हम लोग जाते हैं उनके सामने तो हम उनके सामने एक नेगेटिव इमेज के साथ हैं कि देखिए ये तो हमारे खिलाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए हीरो हैं। और इस तरीके के हीरोज़ आपने वहाँ भी देखे जब दक्षिण कश्मीर में लोग घूमते थे और उन लोगों के साथ घूमते थे जिन्हें मुझे लगता है कि जेलों के अंदर होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में ये बात समझनी होगी, पता नहीं क्यों मुझे यही सबसे बड़ा डर और आशंका यहाँ खड़े होकर हो रही है कि अगर मीडिया ने इस वक्त सही रोल नहीं निभाया तो इतना बड़ा फैसला जो उठाया गया, इतना बड़ा कदम जो उठाया गया, एक गैप रह जाएगा और ये गैप भरना बहुत मुश्किल होगा। सुधीर जी, जी राहुल, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली में बैठकर यहाँ जो आशंकाएं हैं वो ये थी कि जो वहाँ के जो नेता ये इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर जो है वो जल उठेगा, कश्मीर घाटी में हिंसा हो जाएगी, पत्थरबाज बाहर निकल आएंगे, खून खराबा होगा, इस तरह की जो आशंकाएं थी। अब आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं, आप हमें बताइए सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर हुए हैं और जो बाकी के जो लोग हैं वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या वो मेंटली मानसिक रूप से तैयार थे इस तरह के फैसले के लिए? सुधीर जी, ये तो तय है कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी लोगों ने ये तो महसूस करना शुरू कर दिया था, उनको एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा फैसला कश्मीर पर होने वाला है, और इसको लेकर के धीरे धीरे पिछले 2-3 दिन में, यानी इस फैसले के आने से 2-3 दिन पहले, उन लोगों ने जहनी तौर पर अपने आप को इसके लिए तैयार करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी तक
48 घंटे होने वाले हैं, कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जिसको देखकर यह कहा जाए कि नहीं यहां बहुत बुरी स्थिति हो गई है या फिर लोग बहुत बुरी तरीके से नाराज हैं। शाम के वक्त में जब आप यहां पर निकलते हैं तो ये दुकानें खुली हुई हैं, लोग रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हैं, एटीएम मशीन चल रही है। मैं आज खुद गया कुछ जगह जहां पर लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे, फल की, सब्जी की, दूध की, इन तमाम तरीके की जो दुकानें जो लोगों को रोज के लिए चाहिए वो सब उपलब्ध हैं, सब मुहैया हैं। खासतौर से जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बीमार लोग हैं उनके लिए फोर्सेस खासतौर से ध्यान रख रही हैं। ये जरूर है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से हैं क्योंकि शरारती तत्व ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि उनको जब मौका मिले तब वो माहौल खराब करने की कोशिश करें। लेकिन इस सब के बावजूद जो जरूरतमंद है, जिन्हें जरूरत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उनको पहुंचाने की हर संभव कोशिश हो रही है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से श्रीनगर से इस पूरे अपडेट के लिए। और राहुल ने जो एक बात अभी कही वो ये है कि मीडिया का जो रोल है वो इस समय सकारात्मक होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो बात बताई, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, आज किस तरीके से उन्होंने अपना ये बयान दिया है, उनका पूरा रिएक्शन कैसा है, कितने परेशान हो गए हैं, खास तौर पर वो खानदान, वो परिवार जिन्होंने वर्षों से 1947 से लेकर अब तक कश्मीर को अपनी निजी जायदाद समझा है, वो लोग कितने परेशान हैं, आज ये देखने का भी दिन है। और उनसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं ये भी आप नोट कीजिएगा। एक बार फिर से आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। It is totally undemocratic. Sir, what would be your future course of action? As soon as the gates will open, our people will be out. We will fight, we go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here! Not into my back, for I stood for this nation. ये नेशन की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। अब किस देश की बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा जम्मू कश्मीर के सारे नेता जो अलगाववाद की आग जलाकर इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर पर राज करते रहे, वीआईपी बने रहे, बड़े बड़े बंगलों में रहे, दौलत इन्होंने इतनी कमाई, सुरक्षा में रहते हैं, ये सारे लोग आजकल कितने परेशान हैं। इन्होंने भारत को माना नहीं, भारत के संविधान को माना नहीं, लेकिन अब यही लोग सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं इसी आर्टिकल 370 को लेकर। सबसे बड़ी बात जो हाल के कुछ दिनों में देश को समझ में आई है वो ये है कि ये सारे नेता जो धमकियां दिया करते थे कि आर्टिकल 370 अगर हट गया या कुछ छेड़छाड़ की गई जम्मू कश्मीर के साथ तो क्या हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा, वो धमकियां अब समाप्त हो गई। पूरे देश ने देख लिया कि इन धमकियों में कोई जान नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बटा, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से अब बिखरी हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता बिल्कुल कंफ्यूज हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इस मुद्दे पर उनका पार्टी के तौर पर क्या रुख होना चाहिए। कल राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि आर्टिकल 370 को लेकर पार्टी खुदकुशी कर रही है और वो कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। आज राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया 24 घंटे के बाद आई। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि सरकार ने एक तरफा फैसला लेकर जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। राहुल गांधी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताकर कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश लोगों से बनता है, जमीन के भूखंडों से नहीं। दरअसल राहुल गांधी देश में राष्ट्रवाद की हवा से अब तक अनजान है। पार्टी हार गई लेकिन उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि देश के लोगों का मूड क्या है, जबकि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का मन ही मन, अंदर से, दिल से समर्थन किया है। अब वो समझने लगे हैं कि देश में क्या हवा चल रही है और इनमें से एक बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आज शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पार्टी से एक तरह से बगावत कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर लिए गए फैसले के साथ हैं और बेहतर होता अगर इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता क्योंकि तब कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन तो भी वो इस
पूरे फैसले के साथ हैं और वो ये चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसका समर्थन करता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी अकेले पड़ चुके हैं। आपको कांग्रेस के ऐसे कई नेताओं के मन की बात आज हम दिखाएंगे जिन्होंने राहुल गांधी की नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का साथ दिया है। लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी जैसे विचारधारा रखने वाले अधीर रंजन चौधरी की बात आज गौर से सुनिए। आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक सेल्फ गोल कर दिया। उन्होंने कश्मीर को देश का आंतरिक मामला बताए जाने पर सवाल उठा दिए। इस पर न सिर्फ बीजेपी सांसदों ने उनकी खिंचाई की बल्कि सोनिया गांधी भी अधीर रंजन चौधरी से नाराज हो गईं जब उन्होंने यह कह दिया कि यह भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। इस सदन में एक संकल्प लिया गया था, वो ये है दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान मस्ट वैकेट पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर इट्स ऑक्यूपेशन, द टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉलोज। ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन लेकिन सर एक मिनट सब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो हमारा स्पीकर है, सबसे बड़ी पंचायत, हमारे नियम कौन सा तोड़ा है बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी, सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट मुझे सुनिए साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है, इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकते। आपने अभी कहा नहीं, मैं आप गलत फहमी मत फैलाइए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है उसके हिसाब से यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आजादी के समय हुई थी उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। कहते हैं हम कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल लगाने की क्या जरूरत है, कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर प्रूविंग दैट। आई थिंक दिस एक्सप्रेशन शुड बी चेंज्ड। हम अपने शरीर के किसी हिस्से के लिए आंख नाक कान हाथ इसके लिए तो नहीं कहते हैं कि वो हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, वो अंग है इतना काफ़ी है। तो अगर कश्मीर को हम अपना अंग मानते हैं और उसी के आधार पर हमने लगातार ये मेंटेन किया है कि इसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं आती, कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं आता, ये पाकिस्तान और भारत के बीच की बात है, या तो हमारे बीच में तय होगी और या फिर जो भी तरीके होंगे वो निकाले जाएंगे। है कि कांग्रेस पार्टी में ही जनार्दन द्विवेदी हो या भुवनेश्वर कालिता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये नेता आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ कि देखो जन जन ने कहा है कि देश की जनता सरकार के समर्थन में इस मुद्दे पर नियम मानते हैं। देखें, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस में रहे। मैं इस ये जो धारा 370 को बदलने की लाई गई है इसके मैं पूरे पक्ष में हूँ, जो राज्यसभा में कल इंट्रोड्यूस भी किया गया था, और मैं ये मानती हूँ कि इससे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए अपने देश में अपने मतलब जैसे बाकी सारी स्टेट्स हैं उस तरीके से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी, और ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है जो कल हुआ था। बट एज अ पर्सनल एज एन एमएलए इन माय कैपेसिटी एज एन एमएलए आई वेलकम दिस डिसीजन। कांग्रेस पार्टी की राय और जो व्यू है वो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो 2019 का हुआ, उसमें लिखा है कि हम इसके हटाने के खिलाफ हैं। बेसिक बात यह है कि आर्टिकल 370 में
लोगों की राय मशवरा के बाद इसको हटाने का प्राविधान है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर बट भी गई है, टूट भी रही है और एक्सपोज भी हो गई है। लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसद हैं और आज सभी ने आर्टिकल 370 के समर्थन में वोट किया है, चाहे दिल से ना किया हो। लेकिन संसद के बाहर कांग्रेस के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी के स्टैंड से हटकर अपनी बात रखी है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि देश में हवा किस तरफ बह रही है। कांग्रेस की इस राजनीति के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता है और इसके पीछे मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने लंबे समय से कश्मीर को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर देखा। राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा होने की सजा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भुगती है और अच्छी तरह भुगती है। अब इसी जनादेश का विरोध भारत में रहने वाले कुछ और बुद्धिजीवी अभी तक कर रहे हैं। देश में आज भी मीडिया का एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। भारत में आज कुछ अखबारों में ऐसी हेडलाइंस छापी गई जिससे ऐसा लगा कि अखबार दिल्ली या कोलकाता से नहीं बल्कि कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से प्रकाशित हो रहे हैं। इस तरह की हेडलाइंस आज देखने को मिली। खबरों को ऐसे छापा गया जैसे भारत ने कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है। इन खबरों में देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। आज संसद में भी कुछ सांसदों ने आर्टिकल 370 पर अपनी बात इस तरह रखी जैसे वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल रहे थे। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे हम भारत की लोकसभा, भारत की संसद के दृश्य नहीं देख रहे हैं बल्कि शायद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो भाषण चल रहे हैं वो देख रहे हैं। वो भी आप देखिए। इन द नेम ऑफ यूनिटी यू आर प्रमोटिंग डिविजन एंड इन द नेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी यू आर प्रमोटिंग पॉवर्टी इन कश्मीर। आई फील दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन। इसकी गर्ज ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी रहते हैं, बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। आज वहाँ भय का माहौल है। अभी जो वहाँ किसी से न फोन चल रहा है न कुछ चल रहा है। अगर कर्फ्यू चल रहा है, अगर आप बदलाव चाहते थे, क्यों नहीं आपने डिबेट किया, चर्चा की, सबसे बात करके प्यार से डिबेट से क्यों नहीं हो जाता? और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आज संसद में आर्टिकल 370 के समर्थन में बोलने वालों में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी शामिल थे और उन्होंने अपनी पार्टी का ही रुख रखा और इसमें कोई हैरान करने वाली बात भी वैसे नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह जरूर है कि मनीष तिवारी ने जो बात आज लोकसभा में कही उसका समर्थन पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब यह है कि जो बात कांग्रेस आज कह रही थी, कांग्रेस के नेता और बाकी नेता जो यहां कह रहे थे लोकसभा में, वही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। यानी पाकिस्तान और ये नेता एक ही भाषा बोल रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन से बात करते हुए आज ये कहा कि मनीष तिवारी भी ये मानते हैं कि भारत सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ है। पहले आप देखिए कि मनीष तिवारी ने आज संसद में क्या कहा और फिर ये भी देखिए कि कैसे पाकिस्तान के नेता उन्हीं के इस भाषण का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो विधेयक सरकार लेके आई है अध्यक्ष जी, इस विधेयक में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के हम दो केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अब जो धारा 3 है भारत के संविधान की, धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है, उस प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसके साथ आप राय मशवरा करेंगे।
this unilateral decision, because as I'm sure you must have heard what MP Manish Tiwari Sahab has said this morning in Lok Sabha, then this is against the Indian Constitution, this is illegal, and then there are UN Security Council resolutions. तो पाकिस्तान के लोग मनीष तिवारी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए आपके तो खुद के अपने सांसद आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला कल यानी 5 अगस्त को लिया गया। इससे एक दिन पहले अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बीजेपी महासचिव राम माधव से हुई उनकी एक मुलाकात का जिक्र किया था और उन्होंने ये बताया कि अक्टूबर 2014 में राम माधव ने उनसे ये कहा था कि भारत अब पीओके भी पाकिस्तान से वापस ले लेगा। तो कड़े फैसले लेने वाली सरकार के जो लोग होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। भारत के जो नेता अनुच्छेद 370 के अंत का विरोध कर रहे हैं, उनकी बातें और उनकी सोच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आज बड़ी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ऐसे नेताओं को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है और उनकी इच्छा पूरी करते हुए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की नेशनल असेंबली में कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेकर जाएंगे। तो इमरान खान ने अपनी मंशाएं साफ कर दी कि वो इस मुद्दे को लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, इसके खिलाफ प्रचार करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि भारत में कांग्रेस पार्टी इस काम में इमरान खान की पूरी मदद करेगी। असल में इमरान खान को कांग्रेस पार्टी से आज बात कर लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात कर लेनी चाहिए। भारत में और भी कुछ और विपक्ष के नेता हैं जिनको अभी आपने सुना, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान की बड़ी मदद कर सकते हैं, ये सारे लोग मिलकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा सकते हैं और अपने ही देश का विरोध कर सकते हैं। इमरान खान बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें भारत में भी ऐसे लोग मिल गए हैं जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं। इमरान खान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका अपने ही मित्र देश यूएई से लगा है। भारत सरकार के अनुच्छेद 370 के फैसले को यूएई ने एक सकारात्मक कदम बताया है, यानी इसका समर्थन किया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मामले को ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में लेकर चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को इस्लामिक रंग देना चाहता है। देखिए, हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान ने इस मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ दिया, इस्लाम से जोड़ दिया, और भारत के जो नेता हैं जो अब तक जम्मू कश्मीर की राजनीति करते रहे आए हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के मामले को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़कर रखा था, इसे एक वोट बैंक बना दिया। वो जम्मू कश्मीर में कुछ भी करते थे और पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजरें लगी रहती थी, लेकिन यूएई जैसे बड़े इस्लामिक देश ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया है, यह बहुत बड़ी बात है और इसे भारत का आंतरिक मामला बता दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई 57 देशों वाले इसी संगठन का सदस्य देश है। इस संगठन ने वैसे तो हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि इस्लामिक देशों का संगठन है, यह कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब इसी ओआईसी के यूएई जैसे मेंबर ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन किया है और इसके लिए उसने पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया है। यूएई ने उम्मीद जताई है कि इस बदलाव से सामाजिक न्याय और सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। यूएई के अलावा श्रीलंका ने भी भारत का समर्थन करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है, जबकि अमेरिका ने इसे कॉशियस और चीन ने बहुत नकारात्मक कदम की संज्ञा दी है। चीन से वैसे भी हमें समर्थन की उम्मीद थी नहीं, चीन ने समर्थन दिया भी नहीं, और संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस मुद्दे पर संयम बरतें। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देता, इस लिहाज से दूसरे देशों को भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 72 सालों से झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई है। कश्मीर के कुछ नेताओं ने लगातार अनुच्छेद 370 को लेकर देश में गलतफहमी की एक दीवार खड़ी करके रखी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे देशों ने किया, लेकिन आज वो दीवार आखिरकार टूट गई। आज हम आपको दो बयान दिखाते हैं कैसे जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो पूरे देश को बहकाते रहे और ये कहते रहे कि 370 को खत्म करना असंभव सी बात है, ये कभी हो ही नहीं सकता और अगर ऐसा हो गया तो न जाने क्या हो जाएगा, और ये कहकर 72 वर्षों तक वो देश को डराते रहे।
आज ये दो बयान आपको जरूर सुनने चाहिए और फिर देखिए कि कैसे ऐसे बयान देकर देश को बहकाया गया। मोदी साहब क्या कर लेंगे, 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को हम नहीं छू सकते। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन गए तो कर नहीं पाएंगे ये काम। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि 200 साल तक भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे और ये देखिए कितना जल्दी ये काम हो गया। इसका मतलब जो ये धमकियां दी जा रही थी इनमें कोई दम नहीं था। कश्मीर की समस्या का इतिहास नेहरू गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन क्या है दोनों में, आज आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों बड़े राजनीतिक परिवारों के राजनीतिक वारिस पीढ़ी दर पीढ़ी कश्मीर की समस्या को उलझाते चले गए लेकिन दोनों ने हाथ भी एक दूसरे के साथ ऐसे थामे हुए थे। शुरुआत होती है शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती से। 1948 में पंडित नेहरू की मदद से शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए लेकिन जल्द ही ये दोस्ती और भरोसा टूट गया। वर्ष 1953 में पंडित नेहरू के इशारों पर शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। 48 से लेकर 1953 के बीच कश्मीर से जुड़े हुए पंडित नेहरू के हर फैसले पर शेख अब्दुल्ला का प्रभाव था। शेख अब्दुल्ला यानी फारूक अब्दुल्ला के पिता। इन 5 वर्षों में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। गलत समय पर युद्ध विराम करने से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का निर्माण हुआ। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू कर दिया गया और पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया गया जो गलती थी। पंडित नेहरू के ये सभी फैसले गलत साबित हुए। इन फैसलों में शेख अब्दुल्ला की भी भूमिका दिखती है, मानी जाती है। 1953 में शेख अब्दुल्ला की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाया गया लेकिन कश्मीर के लोगों ने उन्हें दिल्ली की कठपुतली माना। वर्ष 1957, 1962 और 1967 में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन इन चुनावों में जबरदस्त धांधली हुई, रिगिंग हुई। इनमें से 1957 और 1962 के चुनाव पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए हुए थे और तीसरा जो चुनाव है वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ लेकिन इन सारे चुनावों में जो असली उम्मीदवार थे या तो उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया या उन्हें जबरदस्ती हरा दिया गया। यानी ये तीनों जो चुनाव थे ये रिग्ड थे, ये नकली चुनाव थे और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर की जनता का जो विश्वास है वो दिल्ली की केंद्र सरकार से उठ गया। शेख अब्दुल्ला इस दौरान जेल में रहे और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली करके सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया नकली चुनाव कराकर। इन घटनाओं से कश्मीर की जनता का भरोसा केंद्र सरकार से टूट गया जो आज भी ऐसा ही है। वर्ष 1964 में पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करके शेख अब्दुल्ला को राज्य का मुख्यमंत्री बनवा दिया। बिना चुनाव जीते शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर तोहफे में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। यह तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी और इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूल थी क्योंकि इसके बाद अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर की राजनीति पर अपना कब्जा जमा लिया। एक परिवार कश्मीर को अपनी जागीर समझने लगा। इसके बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के बीच राजनीतिक दोस्ती शुरू हुई। 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे। जिन लोगों ने धांधली का आरोप लगाया उनमें से कुछ अलगाववादी बन गए और कुछ आतंकवादी बन गए। वर्ष 1989 में जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से बाहर निकालने का अभियान शुरू किया तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उस सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, आपको यह भूलना नहीं चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी की दोस्ती गहरी हो गई इस युग में आकर, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी आज भी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने का विरोध कर रहे हैं। तो आप देखिए कश्मीर समस्या चलती चली गई साथ में और कैसे दो राजनीतिक परिवारों की तीन पीढ़ियां एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोस्ती करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले गए। पहले नेहरू आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आए, शेख अब्दुल्ला आए, फिर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी आए, और फिर राहुल गांधी और
फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला है, तीन पीढ़ियों से ये दोस्ती चली आ रही है। हम अक्सर कश्मीर के मामले में पंडित नेहरू की भूलों की चर्चा करते हैं, लेकिन कश्मीर को समस्या बनाने में महाराजा हरि सिंह का रोल भी कम नहीं था, जो कि कश्मीर के महाराजा थे। महाराजा हरि सिंह अपने राजसी वैभव में डूबे हुए एक व्यक्ति थे। उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था, वो किसी भी समस्या में उलझना नहीं चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन से उनकी दोस्ती थी और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी पूरी आस्था थी। जब देश आजाद हुआ तब वो कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा एक अलग देश बनाना चाहते थे, न भारत के साथ मिलना चाहते थे न पाकिस्तान के साथ। इसीलिए जब भी हरि सिंह की मुलाकात पंडित नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि से तय हुई, हर बार हरि सिंह ने इन मुलाकातों को टाल दिया और अपने प्रतिनिधियों को ही मुलाकात के लिए भेज दिया। हरि सिंह की महत्वाकांक्षा को उस वक्त आघात लगा जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। आखिर अपनी प्रजा पर हो रहे अत्याचारों को देखकर हरि सिंह मजबूर हो गए। उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी। इसके बदले में हरि सिंह को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, विलय हो गया। जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में उसी तरह हुआ जैसे दूसरी 565 रियासतों का हुआ था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इन रियासतों को यह छूट दी थी कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसका आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इस एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जिक्र था। इसे विलय का कानूनी दस्तावेज माना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक किसी प्रिंसली स्टेट या रियासत को ब्रिटेन के भारतीय उपनिवेश में शामिल माना जाएगा अगर उस रियासत का शासक या राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र के कानूनी दस्तावेज पर सहमत है, और उसकी सहमति को भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। आज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात इसलिए की क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का प्रावधान था, और इस पर हस्ताक्षर करते ही जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत के साथ हो चुका था। लेकिन अनुच्छेद 370 को जोड़कर, और ये बाद में जोड़ा गया, इसे जोड़कर भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के विलय को कमजोर कर दिया गया, और इसके लिए पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला को जिम्मेदार माना जाता है। पंडित नेहरू एक आदर्शवादी राजनेता थे। वो पाकिस्तान की चालाकियों को अपने आदर्शवाद से हराना चाहते थे। यहीं पर वो भूल कर गए 1947 में अक्टूबर के महीने में, जब पाकिस्तानी कबायली जम्मू और कश्मीर में घुस चुके थे। 28 अक्टूबर 1947 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में पंडित नेहरू ने लियाकत अली को उन शर्तों की जानकारी दी जिनके तहत कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। पंडित नेहरू ने कश्मीर से कबायलियों को भगाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कश्मीर में ऐसा माहौल बनाने की अपील की जिसमें जनता की भागीदारी बढ़ सके। पाकिस्तान ने पंडित नेहरू की सद्भावना का जवाब दुर्भावना से दिया। पंडित नेहरू के टेलीग्राम के जवाब में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत जम्मू और कश्मीर पर हमला करके कश्मीर के विलय की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान से ना उम्मीद होने के बाद शांतिप्रिय पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख किया। 1 जनवरी 1948 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि पीपी पिल्लई ने जम्मू और कश्मीर पर कबायलियों के हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उरी से सटे इलाकों में भारत की सेना का मुकाबला 19,000 हमलावरों से हुआ। इन 19,000 हमलावरों में कबायली भी शामिल थे। जम्मू और कश्मीर से सटे पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान वाले पंजाब की सीमा से सटे जिलों से भी हमलावरों को शामिल किया गया। इन सभी हमलावरों की संख्या करीब 1,00,000 थी। जब भारत की सेना पूरे जम्मू कश्मीर को जीतने से थोड़ी ही दूर थी, तभी पंडित नेहरू ने संघर्ष विराम और जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया। पंडित नेहरू ने सैन्य, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और इस वजह से जम्मू और कश्मीर बट गया। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ कश्मीर पर दो अलग अलग देशों का अधिकार हो गया। जो हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है, जिसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसे कहा जाता है, वो वहां पर रह गया और बाकी का हिस्सा भारत में आ गया। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसके मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। यहां पर आप नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले कश्मीर को सौंपे जाएं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की होगी। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक
पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं हटाता और पाकिस्तान ने पीओके से कब्जा अपना हटाया नहीं। पाकिस्तान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया लेकिन भारत से यह उम्मीद करता है कि वो संयुक्त राष्ट्र की हर बात को माने। यह है कश्मीर समस्या। अब हम पीओके का एक स्पेशल ऐतिहासिक और भौगोलिक विश्लेषण करेंगे। एक नक्शे की मदद से आपको यह दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नक्शे को लगातार बदलने की कोशिश की। इस हरकत में उसे चीन का भरपूर साथ मिला और आज भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर 222,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से आधा यानी करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। इसमें हरे रंग का हिस्सा पीओके है जो आपके नक्शे पर दिखाई दे रहा है। जो हरा रंग है वो पीओके है और लाल रंग वाले हिस्से पर चीन का कब्जा है और जो बाकी का जो हिस्सा है वो भारत के कब्जे में है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान चीन के पास लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चला गया जिसे अक्साई चिन कहा जाता है। अक्साई चिन पर आज भी चीन का ही कब्जा है। इसके बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के दौरान पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी तरीके से चीन को सौंप दिया। कहने को तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का दर्जा दिया जाता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके के अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ की सरकार पाकिस्तान की सिर्फ एक कठपुतली है। उसे सारे फंड वहीं से मिलते हैं। पीओके दो हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें एक हिस्से को आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरे हिस्से को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की सेना अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। पीओके की कुल आबादी सिर्फ 40 लाख है लेकिन इसमें कश्मीरी मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर 85% पंजाबी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना से नफरत करते हैं। पाकिस्तान का विरोध करने की वजह से यहाँ के बहुत सारे युवा जेलों में बंद हैं।